हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माय सेल्फ रविंद्र कुमार। तो आज हम बात करेंगे पत्र के बारे में। पत्र का इससे पहले हम एक बेसिक चैप्टर अपना कर चुके हैं, जो आपका उसमें बताया गया था पूरा विस्तार से पत्र के बारे में, आपको किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है, क्या एक पूरा प्रारूप होना चाहिए पत्र का, किस तरीके की काव्य शैली होनी चाहिए। तो इस सारी बातों को देखते हुए आज हम जो पत्र करेंगे वह हमारा होगा पेयजल की समस्या के निवारण हेतु 300 शब्दों में। आपको पता है यूपी एपीओ मेंस में आपका 300 शब्दों में यह पत्र पूछा जाता है। सिंपल बिल्कुल आपका पत्र है, यूके एपीओ मेंस से बहुत ही हल्का है आपका, यूपी एपीओ मेंस का जो पत्र का आपका टॉपिक है, ठीक है। आपको बता दें कि यूपी एपीओ मेंस का हमारा लाइव क्लासेस में पेड ग्रुप चल रहा है, तो 7500110314 पर आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। डेली टू डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, साथ के साथ सारी चीज़ों का लगभग रिवीजन भी चल रहा है साथ में, और ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप अभी कर लेते हैं इसको एग्ज़ाम से पहले, तो आपका ये सेफ जोन रहेगा और मार्क्स भी आप इतने इसमें 80+ इसमें गेन कर सकते हैं। तो ये श्योरिटी है कि आप जब बैच को कर लेंगे तो आप में एक अलग ही आत्मविश्वास सा जगेगा कि हाँ, हमको हिंदी से कोई अब प्रॉब्लम या समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न देगा, अपने नगर की पेयजल समस्या के निवारण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को 300 शब्दों में पत्र लिखें। शब्दों का तालमेल किस आरेख में होना चाहिए, शैली कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे आपने सेवा में लिखा, इसके बाद कोमा दिया, कोमे को इसको अल्पविराम भी कहते हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये नाम होता है शॉर्ट में बेसिकली, ठीक है। 300 शब्दों में लिखना है तो पूरा ध्यान देना है कि कितने पेजों में आएगा, वो भी ध्यान देना है, और एक स्पेस जो गैप होता है बीच में शब्दों का, वो भी लगभग सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये एक छोटा सा एड्रेस कह सकते हैं आप इसको, एड्रेस ही होता है पता, जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं, जिस पत्र को जिसको लिखना चाहते हैं, प्रेषिता जो होता है, जो प्राप्त करता है उसको, उसका पूरा यहाँ पर पता होता है, ठीक है। फिर आप जब आएंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर सेवा के लगभग नीचे ही विषय लिखेंगे। विषय में आप जिस समस्या को लेकर के या जिस बिंदु को लेकर के ध्यान आकर्षण करने के लिए आप वहाँ पर पत्र लिख रहे हैं उसका जिक्र करेंगे। ये 2 से 2.5 लाइनों में ही लिखा जाता है। ब्लॉक बी, काखागा नगर में पेयजल की समस्या के संदर्भ में ध्यान आकर्षण हेतु। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइव क्लास में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब कि पत्र ये हो चुका है, लेकिन ऑडियो लेक्चर में आपको और अच्छे तरीके से, हालांकि लाइव में तो बेटर ही हो जाता है, ऑडियो में फिर भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो वो पूरी जानकारी ले सकें। चलिए, फिर महोदय देखेंगे आप, यहाँ पर महोदय भी इसी सीक्वेंस में है। महोदय में हम लोग ब्लॉक बी काखागा नगर के नागरिक हैं और आपका ध्यान इस नगर की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, पेयजल से जुड़ी समस्या की ओर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप पत्र को खाली ये नहीं लिखेंगे कि पेयजल की समस्या है तो उसमें पेयजल के बारे में लिखेंगे, उससे संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो जो आप पत्र लिखने जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि 300 शब्दों में जो लिखने जा रहे हैं, तो उसकी भाषा शैली भी 300 शब्दों के लिए ही हो, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विस्तार से चारों तरफ की समस्याएँ हैं, पेयजल की समस्या किस कारण से उत्पन्न हो रही है, क्या उससे सोसाइटी में या पब्लिक में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बातों का भी जिक्र है, उसका निवारण कैसे किया जाए। सबसे पहले प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है कि समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, और फिर उसका समाधान क्या होगा। तो सारी जो विषय हैं सभी को एक सुव्यवस्थित तरीके से हमें पत्र में लगाना होता है। फिर आप देखेंगे कि इसमें स्थानीय निवासियों के दैनिक क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित हैं, पेयजल की समस्या है तो प्रभावित होंगे ही, और जलापूर्ति की सभी सप्लाई पाइपें क्षतिग्रस्त हैं, जिनसे जगह जगह पर लीकेज के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। बाकी इसमें पूरी जो थ्योरी है, जो इसमें कंसेप्ट डाला गया है, वो पूरा उसी के बारे में है, पेयजल की समस्या क्यों है, किस तरीके हैं, क्या क्या कारण हैं, निवारण क्या होंगे, वो सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। बेसिकली छोटा सा वीडियो इसलिए है क्योंकि आप समझ जाएं अभी फ़िलहाल के लिए, ये लास्ट में जो पॉइंट है इसको और समझाना चाह रहे हैं, बीच में तो जो कंसेप्चुअल भाषा लिखनी होती है वो लिखनी ही होती है, बहुत ही है,
भवदिया मान लीजिए आप पूर्व पार्षद हैं, पूर्व कुलपति हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। पैफेब है, नाम कभी पूरा नहीं लिखेंगे किसी का भी पर्टिकुलर, जैसे रमेश, सुरेश, इस तरीके से। एवं समस्त नगरवासियों की समस्या है तो वो लिख दिया है। ब्लॉक भी काखागा नगर, इसके लगभग इक्वल ही दिनांक और डॉट डॉट यहाँ पर ये स्थान लिख देंगे। तो कुल मिला के आपका ये पत्र एक पेयजल की समस्या से रिलेटेड है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से हमने इसको किया है। कोई भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो क्लासेस डेली टू डेली लाइफ कराई जा रही हैं उन पर विशेष ध्यान देना है, और जो शब्दावली वो कैप्स जो हैं आपको जो प्रोवाइड कराई जा रही है उसको अच्छे से रिविज़न करना है। बाकी अदरवाइज़ और सोर्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, उसी में से काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। बेनिफिट्स आपको मैं बता चुका हूँ इस बैच के, कि आप अगर इसको कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में जैसे भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी उससे पहले पहले आप हिंदी को कवर कर चुके होंगे, और इसमें आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा कि हाँ इसमें हम 80+ स्कोर आराम से कर सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने की। चलिए बाकी कमेंट कर सकते हैं।